दूसरा बिजनेस पहले बिजनेस की तरह चौपट हो गया तू फिर तुमको समझ में नहीं आता है ये जो ख्याली पुलाव है ना ये बनाना बंद करो कोई जरूरत नहीं है इनकी फीस देने की चुपचाप जो पैसा है वो लड्डू सिंह को वापस करो भैया सुमन और शौर्य की फीस भी जरूरी है नहीं जरूरी है लड्डू सिंह का पैसा वापस करना तुम्हें पता भी है लड्डू सिंह कौन है हैं अगर तुम उसका पैसा वापस नहीं दे पाई ना कुछ उसके पैसे के साथ कुछ भी हुआ ना तो बीच बाजार सूली पर लटका देगा तुम्हें वीरेंद्र शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हो शौर्य और सुमन तुम्हारे भी छोटे भाई बहन है तुमसे उनके लिए कुछ करते बनता नहीं पर लड़की पिट्टी कुछ करने का प्रयास कर रही है तो उसको प्रोत्साहित करने की जगह उसको हतोत्साहित करना छोटी है तुमसे सीखो कुछ उससे नैतिक शिक्षा का ज्ञान तो तुम्हारे अंदर बहुत कूट कूट के भरा अरे प्रवचन शुरू कर देते तो शरीर कुछ काम ही आ जाता रात्रि हम देख रहे हैं कि बेटी की कमाई के पैसे पर बहुत आजकल नजर है तुम्हारी है बंद करो अपनी ये बकवास और ये वाहियात सोच जो है ना अपने पास रखो ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है चुपचाप जो पैसा आया ना सामान बेचकर वो लड्डू सिंह को पैसा वापस कर दो समझी मेरे हिसाब से पिट्टी को एक कोशिश और करनी चाहिए क्योंकि सारे पैसे देकर भी लड्डू सिंह के पूरे पैसे नहीं होंगे उसकी तलवार वैसे भी हमारे परिवार पे लटकती रहेगी और फिर और क्या रास्ता है हमारे पास में पहला बिजनेस चला नहीं से बाहर भी निकाल दिया बहुत ड्रामा चल रहा है हाँ तो अभी जो मोड पे हम लोग हैं अभी बिट्टी बिजनेस वाली में कि बिट्टी जो पहला बिजनेस करती है ब्यूटी सेंटर का वो चलता नहीं है किसी वजह से जो कि वजह आप शो में देखेंगे तो अब वो दूसरा नया बिजनेस करने के लिए सोच रही है जिसको लेके दादी और वीरेंद्र भैया और जोगी भैया जो मेरे भैया लोग हैं वो लोग बहुत परेशान हैं और दादी भी खूब चिड़ी हुई है इसीलिए मैं उनको कन्विंस कर रही हूँ कि दूसरा बिजनेस करने दो